दुनिया में बहुत सी ऐसे रहस्यमय जगह हैं जिनके बारे में सुनकर या देखकर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे ही एक जगह चीन के हुनान प्रांत में स्थित तियामेन शान नेशनल फॉरेस्ट पार्क में स्थित तियामेन माउंटेन और तियामेन केव यानी गुफा है। यह एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर पहाड़ है। टेढ़ी मेढ़ी सड़क से होते हुए इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जा सकता है। यहां तक स्थानीय रेलवे स्टेशन से केबल कार की सुविधा भी उपलब्ध है। यह केबल वे दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबी और ऊंचाई पर बनी हुई है। इस केबल वे का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। तियामेन माउंटेन की ऊंचाई लगभग 5,000 फीट है और यह इस प्रांत का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ऐसा माना जाता है कि 253 ईस्वी में पहले इस पहाड़ का कुछ हिस्सा टूट गया था, जिस वजह से इस गुफा का निर्माण हुआ। इसे स्थानीय लोग स्वर्ग का दरवाज़ा कहते हैं। तियामेन माउंटेन पर बनी इस गुफा की लंबाई 196 फीट, ऊंचाई 431 फीट तथा इसकी चौड़ाई 187 फीट बताई जाती है। स्वर्ग का दरवाज़ा कहे जाने वाले इस पहाड़ की खासियत यह है कि जब शीर्ष पहुँचते हैं तो चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई देते हैं, जिससे इस जगह पर पहुँचने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग में आ गए हो। आधार से इस गुफा तक पहुँचने के लिए लगभग 1,000 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचना पड़ता है। स्थानीय लोग इस जगह को बहुत ही पवित्र मानते हैं। यहाँ एक मंदिर भी मौजूद है जहाँ लोग खुशहाली और सेहत की प्रार्थना करते हैं। अगस्त 2016 में यहाँ पर्यटकों के लिए कांच का बना स्काईवॉक खोल दिया गया। सीधी चट्टान के बीच बना कांच का यह पारदर्शी रास्ता लगभग 200 फुट 60 मीटर लंबा है। दुनिया के कोने कोने से लोग इस स्काईवॉक के जरिए यहाँ की खूबसूरती को देखने आते हैं। हालांकि बहुत कम टूरिस्ट ही इस स्काईवॉक पर चलने की हिम्मत जुटा पाते हैं। 2.5 इंच मोटाई वाले इस कांच के रास्ते की चौड़ाई 3 फुट है। यहाँ से तियामेन माउंटेन पार्क का विहंगम नज़ारा दिखता है। यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट को स्काईवॉक पर चलने से पहले अपने जूते उतार कर स्पेशल जूते पहनने होते हैं, ताकि कांच का बना यह रास्ता साफ और पारदर्शी बना रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।